الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اسلامي وديني بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام, ویسے تو جشن عید میلاد النبی گزر چکا ہے اور اخبارات میں کہاں کہاں یہ جشن منایا گیا, کس کس طریقے سے یہ جشن منایا گیا, یہ ساری تفصیلات اخبارات کی زینت بن چکی ہے. لیکن چونکہ ماہ ربیع الاول ابھی ختم نہیں ہوا ہے, لہذا مناسب معلوم ہوا کہ پچھلے جمعے کے خطبے میں جو بات بیان کی گئی تھی اسی کو کچھ اور آگے بڑھایا جائے. آواز تھوڑی سی کم کر دیجیے, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. سن خراب ہے, تو چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی باقی ہے, آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو دوسروں سے یہ شکایت ہے اور شکوہ ہے, اور کسی حد تک کہا جا سکتا ہے یہ شکوہ اور شکایت بجا ہو کہ دوسرے لوگ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں, ہماری مقدسات کی اہانت کرتے ہیں, ہمارے دین ہماری شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے شکوہ ہے اور شکایت ہے, لیکن خود ہم کہاں ہیں؟ ہمارے دین کے احکام کے ساتھ, ہماری اپنی مقدسات کے ساتھ, ہمارے اپنے نبی کے ساتھ, اور جس ہستی نے, جس ذات نے
इंसानों की रहनुमाई के लिए और उनकी हिदायत के लिए इस दुनिया में नबियों और रसूलों का सिलसिला कायम किया, उनको अहकाम देकर भेजा। हम मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में भी गुस्ताखियां करते हैं। मैंने आपके सामने किस तरीके से मुसलमान अपने दीन अपनी शरीयत के अहकाम की तौहीन करते हैं, इस माह रबीउल अव्वल के ताल्लुक से एक शेर रखा था किसी मुसलमान शायर का, जिसने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कि हम किस तरीके से अपने दीन के अहकाम की तौहीन करते हैं और किस तरीके से हम, चाहे नबी हो या नबी पर अपनी जान निसार करने वाले सहाबा इकराम हो, ताबईन हो, अतबाए ताबईन हो, ऐमे मुस्तहिदीन हो, उनकी तौहीन करने पर आए तो इससे भी हम चूकते नहीं हैं। और इसकी मिसालें और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो ये एतकाद रखती है, और न सिर्फ ये कि एतकाद रखती है बल्कि इस एतकाद का इजहार भी करती है, और इजहार के साथ साथ दिफा भी करती है। मुसलमान है जो क्या अकीदा रखते हैं समझते हैं, कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि मक्का में, मक्का मुकर्रमा में खाने काबा है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, लेकिन मदीने में क्या है, मदीने में काबे का काबा है। आप सोचिए कि ये मुसलमान है जो अल्लाह के घर की तौहीन करने से भी नहीं चूकते हैं, और फिर हमें दूसरों से शिकायत है कि दूसरे लोग हमारी मुकद्दसात की तौहीन करते हैं। और इतना ही नहीं, मैं इसी मिंबर से ये बात कई दफा कह चुका हूं कि हम जब नबी को बढ़ाने पर आए, और नबी ही को नहीं, नबी जिस महीने में इस दुनिया में तशरीफ लाए, रबीउल अव्वल का महीना, उसको बढ़ाने पर आए, तो हम सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, यहां तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन करने से भी बाज नहीं आते हैं। किसी मुसलमान ही ने यह बात कही है, और मैं तलाश कर रहा था, मुसलमान ही ने यह बात नहीं कही है बल्कि बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका दिफा भी किया है। वही जो मुस्तवी अस्ता खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर, आप बताएं, सोचे गौर फिक्र करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर है, ताजीम है, अदब है, एहतराम है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, तौहीन है। तो जो कौम खाने काबा की तौहीन करती हो, जो कौम अपने नबी की तौहीन करती हो, जो कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन करती हो, उसके हालात इस दुनिया में कैसे दुरुस्त हो सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फल यहदर लजीन यखालिफून अन अमरी अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए, किन लोगों को, जो हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म की मुखालफत करते हैं, उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज से डरना चाहिए?
अन तुसीब हम फितनतुन, कोई फितना उनको लाइक ना हो जाए, फितने में गिरफ्तार ना हो जाए। अन तुसीब हम फितनतुन युसीब हम अज़ाब अलीम, या दर्दनाक अजाब उनको कहीं लाइक ना हो जाए। किसी ने आयत की तफसीर में लिखा है कि वो सहाबा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म पर मर मिटने के लिए तैयार थे, जान देने के लिए तैयार थे, उनकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल की हुक्म उदूली का मुखालफत का एक हादसा पेश आया, एक वाकया पेश आया, और इसके नतीजे में जो सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई, वो जंग मुसलमान जीतने वाले थे, जंग हार गए, उनका नबी लहूलुहान हो गया, जख्मी हो गया, और बहुत सारी तकलीफों परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहां इसी दुनिया के अंदर, ये तो उनका हाल था जिन्होंने सिर्फ एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। आज हम सुबह से शाम तक और हफ्ते भर महीने भर कितनी मुखालफतें करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, इसका कोई अंदाजा है, कोई शुमार किया जा सकता है? तो कैसे हमारे हालात दुरुस्त हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? तो मैं आज ये कर रहा था कि हमें दूसरों की खामियां नजर आती हैं, दूसरों के उयूब और नकायस नजर आते हैं। अरबी जबान में एक मसल है, रमतनी बिदाएहा वंसलत, रमतनी बिदाएहा वंसलत, कि इंसान के अंदर खुद वो खराबी पाई जाती है लेकिन उसको अपने अंदर खराबी नजर नहीं आती है, दूसरे के अंदर देखता है कि वो खराबी मौजूद है, मौजूद है। और हमारी उर्दू जबान में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि हमें और आपको दूसरों की आंख का तिनका नजर आता है, तिनका एक मामूली सी चीज, वो हम दूसरों की आंख में झांक कर देख लेते हैं, लेकिन हमें अपनी आंख का शैतीर बड़ा तिनका भी अगर हो, हमारे अंदर बड़ी खराबियां भी हो, वो हमको नजर नहीं आती। मुसलमानों से मेरी यही गुजारिश है कि हम खुद अपने नबी की तौहीन करने से बाज आए, हम खुद अपने रब की तौहीन करने से बाज आए, हम खुद अपने खाने काबा की तौहीन करने से बाज आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद फरमाएगा कुफार के खिलाफ, मुशरिकीन के खिलाफ। लेकिन जब तक हम खुद दुरुस्त नहीं होंगे तब तक हमारे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। जिक्र चल रहा था 12 रबीउल अव्वल के जश्न का, आखिर ये जश्न आया कहां से है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके से और आपकी पैदाइश की तारीख के मौके पर जश्न मनाया जाए, झंडे बैनर हाथ में लेकर निकला जाए सड़कों पर, हुजूम किया जाए, और बहुत सारी खराबियां इन जश्नों के अंदर हुआ करती हैं, उनके जिक्र करने का यह मौका नहीं है तफसील के साथ। बहरहाल ये आया कहां से है, इसकी इब्तिदा कहां से हुई है? अगर ये जश्न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दीन का हिस्सा था तो हमारे नबी ने उसकी निशानदेही क्यों नहीं फरमाई, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त भी किया गया, आपसे पूछा गया कि आप पीर के दिन का, सोमवार के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? आपने बतलाया भी कि यह मेरी पैदाइश का दिन है, लेकिन आपने अपने किसी सहाबी को हिदायत नहीं दी, हुक्म नहीं दिया कि जाओ मेरी पैदाइश की खुशी में जश्न मनाओ,
कोई खाना बनाओ, कोई तकरीब बनाओ, कोई जुलूस निकालो, कोई जलसा करो, कोई स्टेज लगाओ। आजकल तो स्टेज भी लगाए जाते हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को हुक्म फरमाया इस चीज का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर इरशाद है, आपने फरमाया था खैरुल कुरून करनी ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, सबसे बेहतरीन जमाना अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा जमाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में है वो आपका जमाना है, और यही जमाना सहाबा का जमाना भी। सहाबा और अल्लाह के रसूल का जमाना है सबसे बेहतरीन जमाना है। उसके बाद आपने कहा ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, फिर जो उनके बाद आएंगे उनका जमाना, ताबईन का जमाना, और फिर उनके बाद जो आएंगे अतबाए ताबईन या तबे ताबईन, उनका जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन जमानों की निशानदेही फरमाई कि ये सबसे बेहतरीन जमाने हैं। और उसके बाद आपने जो खराबियां पैदा होंगी लोगों के अंदर, जो परेशानियां आएंगी लोगों के अंदर, तब्दीलियां आएंगी दीन के ताल्लुक से, अमानतदारी के ताल्लुक से, शहादत के ताल्लुक से, और शरीयत के आकाम को पूरा करने के ताल्लुक से जो कोताहियां आएंगी, वो अल्लाह के रसूल ने बाद में बयान फरमाई है। तो ये तीन जमाने गुजर गए, और उसके बाद आप कह सकते हैं इनमें मुस्तहदीन इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्लाह, इनका जमाना आया। क्या किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाया है? कोई सबूत है किसी के पास? कोई प्रूफ है किसी के पास? किसी के पास कोई प्रूफ और कोई सबूत नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने जश्न नहीं मनाया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं करते थे? आज जो लोग जश्न मनाते हैं वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो मैं ये सवाल करूंगा, क्या अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, उमर को, उस्मान को, अली को, और इनके बाद जो दीगर सहाबा है, उनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी या नहीं थी? अगर इनको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी तो इन्होंने जश्न क्यों नहीं मनाया? इसका मतलब यह है, कोई नहीं कह सकता है कि जुरत जो ये कह सके कि सहाबा को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी। थी मोहब्बत तो फिर खराबी का है, परेशानी का है? हमारे अपने अंदर परेशानी है, हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है। हकीकी मोहब्बत की बात मैं कह रहा हूं, जबानी मोहब्बत तो बहुत सारे लोगों को है। जबान से आप कहते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इजहार करते रहे मुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानने के लिए तैयार ना हो, आपके दीन आपकी शरीयत पर चलने के लिए तैयार ना हो, तो क्या इस मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, झूठी मोहब्बत है। और क्या हम कह सकते हैं जिन्होंने ये जश्न नहीं मनाया वो दीन और शरीयत पर अमल करने वाले नहीं थे, दीन और शरीयत को समझने वाले नहीं थे? ये कह सकता है कोई? नहीं कह सकता है। चारों अइमा उनकी किसी भी किताब में ये हवाला मौजूद नहीं है कि किसी भी इमाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाया हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जश्न और ये तकरीब आई कहां से है, इब्तिदा कहां से हुई है और कब हुई? आइए देखते हैं। उलमा ने लिखा है इसकी इब्तिदा करने वाले सबसे पहले कौन लोग हैं? जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले सबसे पहले कौन लोग हैं? उनका नाम जिक्र किया है, उनकी लंबी तारीख है। ये जश्न मनाने वाले
उबैदीन जिनको कहा जाता है या फातिमी जिनको कहा जाता है, जो अपने आप को फातिमी कहते हैं, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को अहले बैत में शुमार करते हैं या अहले बैत में शामिल होने का दावा ये लोग करते हैं। और जिस मजहब के मानने वाले ये लोग थे, ये बातनी मजहब के मानने वाले थे, बातनी फिरका इनको कहा जाता है जिन्होंने ये जश्न ईद मिलाद शुरू किया है। आप कहेंगे कि बातनी फिरका क्या है ये, इन्हीं को इस्माइली फिरका भी कहा जाता है, और भी इनके नाम हैं। कौन है ये लोग, इनका दीन क्या था, इनका मजहब क्या था, ये आम शिया नहीं है। शियों की जो खतरनाकियां हैं, जो खराबियां हैं, वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहा जा सकता है कि ये शियों की सुपरलेटिव डिग्री रखते हैं, ये इंतहाई खतरनाक फिरका है जो क्या समझता है, कुरान और हदीस दीन की जितनी नुसूस है उनका एक तो माना मफहूम वो है जो हम जानते हैं, और एक माना मफहूम उनका वो है जो किसी को मालूम नहीं है। बातनी माना और मफहूम है उसका, जिसको वही लोग सिर्फ जानते हैं। कुरान और हदीस की कोई भी इबारत, कोई नस ऐसी नहीं है जिसके एक से ज्यादा मानी ना हो, एक तो जाहिरी अल्फाज और दूसरा उसकी तावील। ये और इनकी बकवास, इनकी औरहोल इनकी किताबों में मिल जाएगी। मैं सिर्फ दो मिसाल आपके सामने देता हूं कि किस तरीके से एक चीज का जाहिरी माना होगा, किस तरीके से शरीयत के हुक्म का एक बातनी माना ये खुद बयान करते हैं। क्या है, कहते हैं अल्लाह ने फरमाया फक्तलु अइमतल कुफ्र, कुफ्र के इमामों को कत्ल कर दो, जो है कुफ्र के जो सरगना है अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया उनको कत्ल कर दो। कहते हैं एक तो माना ये मालूम होता है कि कुफ्र के इमामों को कत्ल करो, दूसरा माना इसका यह है कि अबू बकर को और उमर को कत्ल करो। आप सोचिए, अबू बकर और उमर को कत्ल करने का हुक्म दे रहा है कुरान, और इसी तरीके से कहते हैं इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, गाय के ज़बह करने का बनी इसराइल का वाक़या हमने पढ़ा है, सुना है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो। कौन सी गाय ज़बह करनी है, तो गाय है जो हम गाय समझते हैं देखते हैं। लेकिन ये बातनी फिरके के लोग कहते हैं इससे मुराद ही आयशतु रजी अल्लाह अन्हा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इससे मुराद है, उनको ज़बह करो, उनको कत्ल कर दो। अब सोचिए, इस जश्न ईद मिलाद की इब्तदा करने वाले ऐसे लोग हैं जो सहाबा को न सिर्फ गालियां देने वाले हैं बल्कि उनको मुनाफिक करार देने वाले, उनको दीन इस्लाम से खारिज करार देने वाले ये लोग हैं जिन्होंने इस जश्न ईद मिलाद को ईजाद किया है। ये जिस पर आजकल मुसलमानों की, सुन्नियों की एक बड़ी तादाद है जो अमल पैरा है, ये इन लोगों की ईजाद है। अब ये कि इन लोगों ने इस चीज को क्यों ईजाद किया था, इसके क्या मकासद थे और क्या उन्होंने किया है, ये बातें मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा जिक्र करूंगा। वक्त चूंकि खत्म होने जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सुन्नी मुसलमानों को, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अल्लाह ताला सारे सुन्नी मुसलमानों को इन बातनियों की और इन राफजियों की खुराफात से, बिदआत से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।